ये लीजिए। क्या ये? स्केल, गलती हुआ है ना हमसे, समय पे हम आपका साथ नहीं दिए, तो सजा दीजिए हमको। हम इस मार का दर्द सह लेंगे, लेकिन आप इस तरह से जो चुप्पी साधे हैं, ये नहीं सह पाएंगे। ठीक है, आपसे नहीं दिया जाएगा सजा। तो हम खुद है अपने आप को सजा दे देते हैं। अरे क्या कर रही हो तुम कुहू? छोड़ो, छोड़ो इसको, बंद करो ये तमाशा। उम्र देखिए अपनी, छोटी बच्ची नहीं हो तुम। ये बैठो। छाप तिलक, छाप तिलक, सब छिन गयो रे तोसे नैना मिलई के। छाप तिलक, सब छिन गयो रे तोसे नैना मिलई के। क्या लगता है तुम्हें, क्या लगता है तुम्हें, तुम्हारे ये सब करने से सारे मसले हल हो जाएंगे? चलो उठो यहां से, उठो कुहू, उठो, चलो जाओ यहां से। और दोबारा अगर ऐसा किया है ना, तो हमारा गुस्सा कोई साइकिल का टायर नहीं, तो कीला मार के पंक्चर कर दोगे। तुम्हें राजीव बाबू को ये गलत फहमी तब तक दूर नहीं होगी जब तक कुहु राजीव को अपनी दूसरी बेटी की सच्चाई नहीं बता देगी। बरखा जी, हमें तो लगता है कि कुहु को ये सच राजीव को जल्द से जल्द बता देना चाहिए, ना कहीं ऐसा ना हो कि ये तनाव दरार में बदल जाए और दरार खाई में। आई को ये लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आई को लग रहा है कि बहुत जल्दी, रिजल्ट आने से पहले ही ये कुड़िया राजीव को बेटियों का सच ना बता दे। आज तो हॉस्पिटल भी पहुंच गई थी, तो थैंक गॉड उसको वहां कुछ मिला नहीं। हंसू बेबी, अगर राजीव को सब कुछ सच सच पता चल गया, इसका मतलब समझती हो? वो तो फंस को हाथ कड़िया लग जाएंगे। हंसू बेबी, यू को कुछ करना होगा, कुछ करो हंसू बेबी। अम्मी तुम करो। आई, व्हाट, क्या करे आई? एक मंत्र का जाप जिससे दूर हो जाए हर दुख और पाप। व्हाट मंत्र? रीम क्लीम हंसनी मंत्राय नमः, रीम क्लीम हंसनी बचाय नमः। क्या पत्ती हो तू? ध्यान से सुन, यकीन मानो कल तुम्हारा और हमारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कल के बाद कुहिया अपनी दूसरी बेटी को नहीं ढूंढेगी। चलो मंत्र करो, रीम क्लीम हंसनी मंत्राय नमः, रीम क्लीम हंसनी बचाय नमः। करो, रीम क्लीम हंसनी बचाय नमः। कोयल चंदेल जिसकी जुड़वा बहन जो करीब करीब उनके जैसे ही लगती है, पिछले 7 वर्षों से मुजफ्फरपुर सिविल अस्पताल से लापता है। इसके बारे में कोई भी जानकारी हो तो कृपया नीचे दिए गए नंबर पर सूचित करें, खबर देने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। कोई है?
दादा क्या ये? कुछ कुछ नहीं, बस पोस्टर्स। पोस्टर? कैसे पोस्टर? आप जब जीत जाएंगे ना तब आपको दिखाएंगे। जी। बात बोलो लेकिन छोटे, कि जीत का जश्न ना हमको कुह के बिना नहीं मनाना। हमारे लिए काम करेगा सेतपुरा पे जो धाबा है ना, आज शाम के लिए टेबल बुक करेगा सिर्फ हमारे और कुह के लिए, प्राइवेट डिनर। प्लीज किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए और कोई वहां पे आना था। ढाबे के मालिक से तुम बात कर लेना। कल बहुत कुछ बोल दिया हमने कुह को, बहुत कुछ बिगाड़ दिया हमने। कुह को भी ये सारी बात तुम ही बताना प्लीज, बट प्राइवेट डिनर। दादा हम सब कुछ अरेंज कर देंगे, आप महान हो। आई लव यू। आई लव यू टू छोटे। चल राजीव और कुहिया साथ नहीं होंगे कभी नहीं, और डिनर डेट पर भी हम जाएंगे कुहिया नहीं। कहे कि कुहिया का आज ऐसा हाल होगा, क्यों कहीं जाने के लायक ही नहीं रहेगी। फिर आपसे कैसे मिलेगी राजीव जी? ओ प्राइवेट डिनर डेट पर चाहे कुछ करके हमको भारत का पता लगाना होगा, जिसको नर्स मैडम हमारी बच्ची दी है। हेलो को? हाँ हम को बोल रहे हैं। वो मुझे अस्पताल से पता चला कि तुम अपनी दूसरी बेटी को ढूंढ रही हो। कौन बोल रहे हैं आप, और आपको कैसे पता हमारी बेटी के बारे में? वो 7 बरस पहले वो नर्स ने आपकी बेटी को जिस औरत को दिया था वो औरत मैं ही थी। मैंने ही आपके बच्चे को चुराया था। क्या हमारे साथ ऐसा? हमको बच्चा नहीं हो रहा था, बहुत इलाज उलाज करवाए पर कुछ नहीं हुआ, इसलिए वो नर्स मैडम से बात करके बच्चा चुरा लिया हम लोग। बेशरम औरत, तुम किसी और का बच्चा चुरा के अपना कहोगी तो तुम रहा हो जाएगा। कहाँ है वो? देखिए हमारा बात ना थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जो हुआ ना सो हो गया। हमारा बच्चा हमको वापस दे दीजिए बस। माने आपको कुछ चाहिए तो हमको बताइए, पर हमारा बच्चा वापस दे दीजिए। वापस लाने आज करते प्लीज हमका, और बच्चे को वापस दे दीजिए बस। बच्चा मैं आपको नहीं दे सकती। पर क्यों नहीं दे सकती बच्चा? तू बच्ची हमारी है, पुलिस में कंप्लेन करेंगे ना तो तुम और तुम्हारा पति दोनों जेल जाएंगे। आप सुने ना, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं ना सब लोग कितना परेशान है हमारे घर में, सब बहुत दुखी है। सुनिए हम आपको वादा करते हैं, आप चिंता मत कीजिए, आपके पास पुलिस वाले कोई नहीं आएगा। आपको हम इतना विनती करते हैं, आपको हमारा बच्चा दे दीजिए बस। पैसा चाहिए आपको? पैसा चाहिए तो बताइए, आपको पैसा जितना चाहिए आपको मिल जाएगा। प्लीज लेकर हमको हमारा बच्चा दे दीजिए बस। हम अगर बच्ची वापस करना चाहें तो भी नहीं कर सकते आपको वापस, क्योंकि अब वो जिंदा नहीं है। बच्ची मर चुकी है। हम जब उसको चुरा के लाए तो कुछ ही दिनों में वो बीमार पड़ गई। हम बहुत इलाज करवाए पर हम पति पत्नी उस बच्चे को नहीं बचा पाए, वो मर गई। हम इसलिए आपको कॉल किए। हम कह रहे हैं आप ये सब खोजबीन बंद कर दीजिए, कुछ नहीं मिलेगा आपको ये सब करके।
वो मर चुकी है। झूठ 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 बोल रहे हैं आप। क्या सबूत है आपके पास कि हमारी बच्ची आप चोरी किए थे? क्या सबूत है आपके पास कि आप कभी हमारी बच्ची से मिले? जिंदा है वो। एक मिनट, बहुत दया आ रही है कुहिया पे। काश उसको पता होता कि हमने ही एक औरत को पैसा देकर उससे फर्जी फोन कॉल करवाया है। अब तो कुहिया को यकीन करना पड़ेगा कि उसकी दूसरी बेटी मर चुकी है और कनक उसकी दूसरी बेटी है। इस सच उससे कोसो कोसो दूर रहेगा। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रही है। ये नहीं हो सकता। हमारा दिल कह रहा है, हमारा आत्मा जानता है, हमारा बच्चा जिंदा है। जिंदा है हमारा बच्चा? जिंदा फोन मर नहीं सकती। झूठ 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 बोल रही है, ये झूठ बोल रही है। मत रोइए, मत रोइए। अरे कह रहे ना जिंदा है वो, मर नहीं सकती हमारी बच्ची। जिंदा है तो जिंदा है हमारी बच्ची, जिंदा है। बुआ जी, सिंधु भाभी को क्या हुआ है? अरे कोई जवाब देगा, भाभी को क्या हुआ है? हमारी बेटी जिंदा है, हमारी नहीं है। The number you are trying to call is currently switched off. जिंदा है हमारी बेटी। Try again later. मरी नहीं है, मरी नहीं है, जिंदा है हमारी बेटी, जिंदा है। कू जिंदा है, मरी नहीं है, मरी नहीं है। होने को कौन डाल सकता है कुहू? सुनना, हमें लगता है तुझे तुझे राजीव को सब बता देना चाहिए। बच्चे नहीं नहीं नहीं, नहीं। राजीव बाबू को कोई कुछ नहीं बताएगा, कोई कुछ नहीं बताएगा। अरे क्या हो गया आप लोग को? क्या हो गया? हमारा दिल हमारा आत्मा जानता है, जिंदा है, और हम उसका पता लगा के रहेंगे, सब कुछ जान के रहेंगे। और खबरदार, आप लोग में से कोई भी अगर राजीव बाबू को कुछ बताया ना तो देख लीजिएगा, हम अपने भोले बाबा पास जाएंगे, करेंगे उनसे सवाल, देंगे भोले बाबा हमारे भोले बाबा जवाब, सच बताएंगे हमारी बेटी का। जब तक वो हमारे सवाल का जवाब नहीं देते, हमारी बेटी का सच नहीं बताते, हम अपने भोले बाबा का पैर नहीं छोड़ेंगे। तब तक कोई कोई राजीव बाबू को कोई कुछ नहीं बताएगा, कोई कुछ नहीं बताएगा। मत रोको उसे, करने दो उसे अपने इस दुख का सामना। जितना समझाओगे उतना ही दुख होगा उसको, नहीं कर पाएगी सच का सामना वो। जाने दो उसे, हमको एक बार मंदिर जाना होगा, बच्चे की आत्मा की शांति के प्रार्थना करने के लिए। ये बात आपसे कैसे बोलूं भाभी, ऐसे वक्त में कैसे बोलूं? हाँ, शाम को राजीव दादा सेतपुरा ढाबा में आपका इंतजार करेंगे, उम्मीद है आप जा पाएंगी, दादा से मिलके अपना दुख पार सकेंगी, अपना सारा हाल कह सकेंगी उनसे। आप दोनों को इस वक्त एक दूसरे की जरूरत है,
सख्त जरूरत है। हमारा गुस्सा कोई साइकिल का टायर नहीं है, कीला मार के पंक्चर कर दोगे। गलती हो गई, गुरु क्यों परेशान थी पूछा ही नहीं, बस अपने गुस्से में उस पर चिल्ला दिया। आ जाएगी तो मना लेंगे उसे। एक माँ का मन कभी गलत नहीं हो सकता। सच का पता लगाने के लिए मदद कर कि हमारी बेटी जिंदा है। बोले ना, सच बताओ कि हमारी बेटी जिंदा है या नहीं। फोन उठाओ गुरु। द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज करंटली स्विच्ड ऑफ, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। सही है, पहले फोन नहीं उठा रही थी, अभी फोन बंद कर दिया। अरे कहाँ हो यार तुम? राजीव जी, गुहिया नहीं, आपकी अर्धांगिनी हम हंसनी चलेगी आपके साथ डिनर डेट पर। सच बताइए भोले बाबा कि हमारी बेटी जिंदा है कि नहीं, सच बताइए। भोले बाबा आपको सच बताना होगा, आपको सच बताना होगा, कोनो संदेशा देना होगा। बोले बाबा सच बताइए कि हमारी बेटी जिंदा है या नहीं, सच बताइए। बोले बाबा सच बताइए। अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ आपको? आप ऐसे गिर क्यों रही हैं? आप ठीक है ना? आपको क्या हुआ? हे भगवान, घर पे भी कोई नहीं है, सबके सब मार गए हैं। आप ठीक है ना? क्या हुआ आपको? संभाल के आराम से आई, बैठिए आराम से। आप चिंता मत कीजिए, हम डॉक्टर को कॉल करते हैं। आप बस थोड़ी देर रुकिए। तुमको ये भी बताना होगा क्यों कहा है। बोले ना, तुमको बताना होगा कि किसने हमारी बेटी को चुराया। बोले बाबा बताना होगा कि हमारी बेटी कहा है। ये तो वही डॉक्टर है
जिसने 7 बरस पहले हमको बोला था। देखिए अगले 4-5 साल तक आप गर्भवती नहीं हो सकती। गर्भ में चोट इतनी ज्यादा गहरी है कि बच्चा टिक नहीं पाएगा, और आप गर्भवती हो भी जाती हैं तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। तुमको बताना होगा भोले बाबा कि हमारी बेटी को किसने चुराया। बताना होगा भोलेनाथ, बताना होगा कि हमारी बेटी कहाँ है। हेलो जी। हाँ हाँ, हंसनी जी से आपकी थोड़ी देर में बात कराते हैं जी। वो आपकी बेटी की स्कूल से टीचर का फोन था, आपसे बात करना चाहती थी। वो कनक और कोयल के साथ कैंपर है। बेटी इनकी जी? बच्ची को गोद लिया है क्या, एडॉप्ट किया है? गोद क्यों लेंगी डॉक्टर साहब, उनकी अपनी बच्ची है कनक। ये कैसे हो सकता है, मैंने खुद इनको एग्जामिन किया है, ये माँ नहीं बन सकती। माँ नहीं बन सकती? इनकी बच्चेदानी में इतनी जबरदस्त चोट लगी है, कितने सारे तो टेस्ट हुए हैं, MRI तक हुआ, इनका माँ बनना असंभव है, फिर कैसे? अगर हंसनी माँ नहीं बन सकती तो फिर कनक किसकी बेटी है, कहीं कुहू दीदी की तो नहीं?